ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने खरगोन में डिप्टी रेंजर के साथ हुई घटना को लेकर कहा है कि हर तरह के माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन है। वहीं लाडली बहना योजना पर टिप्पणी के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने पर फूल सिंह बरैया ने तंज कसते हुए कहा है कि वे सभी पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि वह अपनी भावनाओं को दबाकर रखें, नहीं तो बीजेपी सरकार FIR दर्ज करा देगी, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोटने में भाजपा को महारत हासिल है। जो सरकारी सेवक होते हैं वो सही मायने में राज्य की सेवा करते हैं, और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना सिर्फ उनका अपमान है, अगर किसी भी सरकार में अगर इस प्रकार के असामाजिक तत्व पल रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उस सरकार में ऐसा काम होना कोई बहुत बड़ी कोई विषय नहीं है जिस पर चिंता की जाए, वो तो ऐसा करते ही है। नहीं देखिए, अब वो आज़ादी है, नहीं वो तो डेमोक्रेसी है, उसमें तो कोई ना कोई टिप्पणी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि FIR हो जाए, ये है नहीं, डेमोक्रेसी का गला घोंटना है। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक इनकी सरकार है तब तक लोकतंत्र की सारी बातें स्पष्ट ना करें, कुछ बातें छुपा करके भी रखें, अन्यथा सबके ऊपर FIR होगी। देश में तो दुकानों के सामने भी अब जातियाँ लिखी जाएंगी, नाम लिखा जाएगा मालिक का, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये तो शुरू हो गया नहीं। उत्तर प्रदेश में तो जो है 26 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य में ये जाति लिखना और मालिक का नाम लिख के जाति से बताना, तो ये तो शुरू हो गया, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, वो तो करेंगे।